भविष्य मैं में शादी उसी से करूंगी जो मुझसे शादी करेगा, मुझसे प्यार करेगा। लोग देखे हमें कि ये लड़की कहाँ घूम रही है, देखो मेरे सारे फ्रेंड देखे मनीषा भी घूमने जा रही है। हरियाणा में, राजस्थान में मैंने सबके साथ में प्रोग्राम किए हुए हैं जी, भी मतलब जितने भी हैं छोटे मोटे कोई भी है छठी के प्रोग्राम में जी। ये मेरा शौक था जी, मैं पहले से ही मतलब जब छोटी थी तब से मेरा शौक था कि मैं हरियाणवी डांसर बनूं। जो लोगों को देखती थी डांस देखती थी तो मेरा भी जी जलता था, मैं भी सोचती थी मैं भी एक खास ऐसे डांसर हूँ, मैं भी इस लाइन में आऊँ, मैं भी अपना नाम बनाऊँ। सब्सक्राइब मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जो लोग मुझे इस लायक समझते हैं, मतलब हर परिवार प्रोग्राम होता है उसमें बुलाते हैं जी, जी हाँ। हम सब सेल्फी भी खींचते हैं, हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं प्रोग्राम के टाइम, हम लोग बहुत खुश रहते हैं, जैसे एक फैमिली की तरह रहते हैं सब प्रोग्राम वाले मिलके। रियल में बता रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मुकेश फौजी को पसंद करती हूँ जी, मुकेश फौजी जी। हाँ, उनके गाने, रागनी, उनका गाने का स्टाइल, उनकी स्माइल जो गाते हैं ना वो, तो उनके चेहरों में रोश, जितने मेरे फैन है ना मुझे सारे लाइक कर दो यार। आप सबका फिर से एक बार ICT मीडिया में स्वागत, मैं संदीप तवर। जैसा कि हम आए प्रतिदिन किसी न किसी हरियाणवी कलाकारों का, डांसर का इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे काफ़ी सवाल जवाब करते हैं, उनके क्या विचार हैं, हर कलाकार हर डांसर के अलग अलग विचार हैं, उन विचारों को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मनीषा चौहान जी बनी हुई हैं, जो ये डांसर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, इनसे काफ़ी सवाल जवाब हम करेंगे। सबसे पहले मनीषा जी, ICT मीडिया में आपका स्वागत करते हैं, जो हमारे लिए आपने इतना समय निकाला। थैंक यू दी, मैं भी दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने मेरे को इस लाइक समझा, मतलब आपने मेरे को ये सब बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके जो मीडिया है इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मनीषा जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप इस फील्ड में क्यों आई? जी ये मेरा शौक था जी, मैं पहले से ही मतलब जब छोटी थी तब से मेरा शौक था कि मैं हरियाणवी डांसर बनूं। जो लोगों को देखती थी डांस देखती थी तो मेरा भी जी जलता था, मैं भी सोचती थी मैं भी एक खास ऐसे डांसर हूं, मैं भी इस लाइन में आऊं, मैं भी अपना नाम बनाऊं, मैं भी इन लोगों की तरह डांस करूं, लोग मेरे पे भी मतलब मेरा भी नाम बने, मैं इस लाइक बनूं कि मैं डांसर हूं। मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मैं डांस करती हूं, और मेरा दिल से इच्छा थी, दिल से मन था मैं इस लाइन में आऊं तो डांसर बनूँ। मनीषा जी, घर वालों का कितना सहयोग मिला आपको, घर वालों ने कितना आशीर्वाद दिया इस कार्य के लिए? जी घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से कमा के खा रही हूँ, मेरे घर वाले पूरी सपोर्ट देते हैं मेरे को कि अपने दम पे कमा के खा रही हूँ, मैं किसी से हाथ नहीं फैला रही हूँ किसी के सामने जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं, सब बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आशीर्वाद मिल रहा है उनका, उनके आशीर्वाद से मैं थोड़ा बहुत नाम कमा चुकी हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत रह गया है जी। वो तो आगे जब लॉकडाउन खुलेगा तब पूरा हो जाएगा सपना, जो भी आपका सपना है। तो मनीषा जी, आपने स्टडी की बात करते हैं, हम स्टडी कितनी की हुई है, पढ़ाई कितनी की हुई है? जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 8 तक पढ़ी हुई हूँ जी। उसके बावजूद आप क्यों नहीं पढ़े, क्या ऐसा कारण था? जी नहीं, ऐसे ही नहीं पढ़ी, मेरा मन नहीं था कि पता नहीं क्या था, मैं डांसर बनना चाहती थी, क्या नहीं बनना चाहती थी, बस मेरा मन नहीं था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और कोई इसमें कोई बात नहीं है कि मैं पढ़ी क्यों नहीं। मनीषा जी, आपने कितने कितनी पार्टियां हैं ऐसी, उन पार्टियों के साथ कितने पार्टियों के साथ आपने इस फील्ड में काम किया है? जैसे बहुत काफ़ी पार्टियां हैं, अलग अलग जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हुई है, तो कितनी पार्टियों के साथ आपने काम किया हुआ है? देखो जो भी है मैंने काफ़ी लोगों के साथ में प्रोग्राम किया हुआ है, अब आप जिनका नाम बताऊं या ऐसे बताऊं आप? नहीं, लगभग में कितने होंगे? काफ़ी लोग हैं, मतलब जितने रिवाड़ी के बाहर के जितने कलाकार हैं हरियाणा में, राजस्थान में, मैंने सबके साथ में प्रोग्राम किए हुए हैं जी, भी मतलब जितने भी हैं छोटे मोटे कोई भी है छठी के प्रोग्राम में, जितने छोटे भाई छोटे कलाकार भी होते हैं जो अपना पेट फाल रहे बेचारे, कुछ भी बजा रहे गा रहे, सबके साथ में मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, सबके साथ में मेरा बहुत अच्छा नेचर है, सब लोग मुझे बहुत अच्छी मानते हैं, मैं भी उन लोगों की इज्जत करती हूँ, वो लोग भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जो लोग मुझे इस लायक समझते हैं, मतलब हर परिवार प्रोग्राम होता है उसमें बुलाते हैं, वो लोग भी मुझे लाइक करते हैं, मैं भी उन लोगों को दिल से लाइक करती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। तो मनीषा जी, इस फील्ड में आप आए, कोई ऐसी परेशानी आई हो जो आपके कार्य में रुकावट बनी हो, कोई ऐसी बाधा आई हो जिससे आपका जो लक्ष्य था डांसर का इस फील्ड का, और वो
फिर नहीं पूरा हुआ हो, परेशानियाँ किस कितने प्रकार की, किस प्रकार से आई, आम पब्लिक की परेशानी आई या फिर आस पड़ोस से किसी व्यक्ति की परेशानी आई? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं थी। ये मेरा मन था कि मैं एक डांसर बनूँ, मैं एक कलाकार बनूँ, अपना नाम कमाऊँ। इस चीज़ में मेरी कोई परेशानी नहीं थी। मैं खुद के मन से सब कुछ बनना चाहती हूँ और अपना नाम कमाना चाहती थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर देखने को मिलता है कि जो चाहे वो हरियाणवी कलाकार हो या डांसर हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, तब वो प्रोग्रामों में जाते हैं तो जो युवाओं की एक पुकार होती है कि सेल्फी की, ये दौर चला हुआ है सेल्फी वाला। तो आप जब प्रोग्रामों में जाते हैं तो जो युवा साथी है वो आपको बोलते हैं कि मैडम एक सेल्फी हो जाए? जी हाँ, हम सब सेल्फी भी खींचते हैं, हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं प्रोग्राम के टाइम, हम लोग बहुत खुश रहते हैं, जैसे एक फैमिली की तरह रहते हैं सब प्रोग्राम वाले मिलके। सब सेल्फी भी मांगते हैं, नंबर भी मांगते हैं, लेकिन हम लोग नंबर तो नहीं देने पाते क्योंकि जो प्रोग्राम वाले होते हैं हमारे, उन्हीं को नंबर दिए जाते हैं। वो काफ़ी लोग फैन भी हमारे, काफ़ी लोग मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। सेल्फी सेल्फी बहुत ज़्यादा सेल्फी होती है जी, मतलब हम भी पागल हो जाते हैं सेल्फी खींच खींच के। तो सपना जी, नहीं मनीषा जी, अब हम आपसे सवाल जवाब कुछ ऐसे करेंगे जिनका आपको तुरंत आंसर उत्तर देना है। हमें चार पांच हमारे सवाल रहेंगे, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद? हाँ, तुरंत बताओ। सबसे ज़्यादा पसंद मैं करती हूँ, अब किसी में पूछोगे इंसान में, भगवान में या किस चीज़ में? इंसान में। इंसान में सबसे ज़्यादा मैं अपने मम्मी पापा हूँ। उसके फिर दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पे पसंद किसको बताओ? देखो मैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हम अपनी फैमिली में सबको बता देते हैं, हम अपनी फैमिली में सबको पसंद करते हैं, और कोई हमें दूसरे मतलब ऐसे कोई पसंद नहीं है। बस बात की जैसे कि मम्मी पापा तो हर व्यक्ति के होते रहते हैं, उसके बाद जो जैसे सिंगर वाली लाइन में है उनमें से आपकी सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? जेंट्स की बात कर रहे हैं हम। जेंट्स में सबसे ज़्यादा मतलब जिसको मैं पसंद करती हूँ, रियल में बता रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मुकेश फौजी को पसंद करती हूँ। जी मुकेश फौजी जी, हाँ, उनके गाने, रागनी, उनका गाने का स्टाइल, उनकी स्माइल जो गाते हैं ना वो, तो उनके चेहरों में और उसके चेहरे पे जो चमक होती है ना वो किसी के चेहरे पे नहीं होती। वो बंदा ऐसे गाता है मतलब सर जी, बहुत ज़्यादा दिल से गाना गाता है वो, मतलब कुछ भी गाता है, रागनी वगैरह कुछ भी। मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जब मैं छोटी थी तब से उनके गाने सुनती हूँ, मेरे गांव में भी आते थे वो, मैं उनका प्रोग्राम भी देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुशी मिलती है उनका प्रोग्राम देख के। उनके साथ कभी काम करने का अवसर मिला हो? हाँ, मेरे को एक मौका मिला था राजस्थान में प्रोग्राम के लिए, मुकेश फौजी जी ने बुलाया था मेरे को डांस के लिए, हम प्रोग्राम में उसके साथ में एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ जी। तो मनीषा जी, बात करते हैं हम खाने पीने में, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कढ़ी। कढ़ी ओ, कैसी कढ़ी, पकौड़ी वाली या फिर सिंपल? सिंपल कढ़ी, प्याज घेर के, मिर्च डाल के, बेसन डाल के बनाते हैं ना वो कढ़ी। तो उसमें तो फिर कई प्रकार की वो डल गई ना? नहीं, पकौड़ी वाली कढ़ी मेरे को सिंपल, मतलब जो गांव में बनती है ना वो कढ़ी अच्छी होती है। जैसे मेरे अंकल बनाते हैं, मेरे चाचा बहुत बेस्ट कढ़ी बनाते हैं, कच्चा कचरी डाल के और पालक वोगी डाल के ना, कच्चा धनिया, हरा धनिया डाल के वो बनाते, बहुत अच्छी बनाते हैं, और मेरी मम्मी भी बनाती है, मुझको कढ़ी बहुत पसंद है जी। घूमने का कितना शौक है? बहुत ज़्यादा। कितना, फिर भी कोई लिमिट होगी? मेरे को घूमने का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी जगह जगह है, वहाँ पे जाके सेल्फी खींचे, लोग देखे हमें कि ये लड़की कहाँ घूम रही है, देखो मेरे सारे फ्रेंड देखे हैं मनीषा भी घूमने जा रही है। मेरे को घूमने का बहुत शौक है, और ऐसी हूँ मैं, अगर मेरा ऐसा मन करे ना मुझे पैदल जाना है कहीं घूमने के लिए, तो मैं पैदल चली जाती हूँ, फिर चाहे 10 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, मैं ऐसी हूँ, मैं किसी की वेट नहीं कर सकती, चली जाते हैं। तो मनीषा जी, अब हम अहम सवाल पे आते हैं, बात करते हैं हम, जैसे कि आप प्रोग्रामों में जाते हो, कभी ऐसा हुआ हो किसी लड़के से आपका दिल से लगा हुआ हो किसी भी प्रोग्राम में, क्या ऐसी कोई बात हुई है? नहीं जी, मैं प्रोग्राम लाइन में कभी किसी लड़के से कोई दिलचस्पी नहीं रखी मैंने, ना मैंने कभी उन लोगों से पाप की नज़र से देखा, ना उन लोगों ने शायद देखा हो ना देखा हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कोई मैटर नहीं है प्रोग्राम लाइन में, मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, कोई लड़के के साथ में कोई दिल लगी नहीं। तो मनीषा जी, अब बात करते हैं हम, शादी का क्या विचार है, शादी कब तक करवाओगे?
थी, मेरा शादी का कोई विचार नहीं है। होगा भविष्य में, मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझसे शादी करेगा, मुझसे प्यार करेगा। अच्छा, हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई ऐसा वो तो देखना जी जो इनसे प्यार करेगा और वो ही इनसे शादी करेगा। बहुत ऐसा हमें भी ऐसी आ गई, तो वो तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो आपके फैन है वो आपको चाहते हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बताओ, ऐसे थोड़ा ना कह रही हूँ। नहीं, आपका जो बताने का वो था वो तो इसी प्रकार से था। वो फैन होते हैं, वो दिल से लाइक करते हैं, मतलब वो नहीं, काफी बार काफी लोगों की सोच हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है, मैंने तो कभी किसी को देखा ही नहीं इस लाइन में, और ना मैं कभी देखना चाहती हूँ। कोई ना शादी का मैटर, अभी कोई मेरे शादी करने का कोई चांस नहीं है। होगा तब किस प्रकार का आपको लड़का चाहिए? होगा वो जब देखा जाएगा, मम्मी पापा से बोल दूंगी, वो अपने आप सोचेंगे क्या करना है जी। जो मम्मी पापा है जो वो आदेश देंगे उस अनुसार आप? यस जी, मम्मी पापा बोलेंगे ना वही होगा। तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अब हम मैम से जल्द ही एक दो सवाल जवाब और करेंगे, फिर मैम हमसे सवाल जवाब करने के लिए बोल रही है कि जी मैं भी आपसे सवाल जवाब करूँगी। मैम, जो हमारे युवा साथी है, yes. जो हमारे युवा साथी है वो कहीं ना कहीं आज देश समाज से भटके हुए हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, गलत कार्यों की तरफ जा रहे हैं। युवा साथी, युवा नौजवान, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या उनको नशे की तरफ चलना चाहिए या फिर देश के हित में काम करने चाहिए? जी, उन लोगों को देश के हित में काम करना चाहिए, यहाँ के अपनी लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करो। भगवान लाइफ देता है जीने के लिए जी, खराब करने के लिए कोई जो नशा कर रहा है अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, उन भाइयों से मेरा यही कहना है कि अपनी लाइफ जियो और ऐसे खराब मत करो। अगर भगवान जिंदगी दे रहा है तो कुछ सोच समझ के देता है, इतनी बुद्धों के बाद जिंदगी मिलती है, एक जिंदगी देता है भगवान जीने के लिए, तो उसे अपनी लाइफ की तरफ से इंजॉय करो, उसे बेकार मत करो, मतलब खराब मत करो, और सब अपनी लाइफ में खुश रहो, अच्छा कार्य करो जी। अब मनीषा जी हमसे भी सवाल जवाब करेंगी, अब देखते हैं ये सवाल जवाब किस प्रकार से करते हैं, हमें उन सवाल जवाबों में उलझाते हैं या फिर किस प्रकार से, क्योंकि ये भी राजपूत हैं और मैं भी राजपूत हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये विषय चला हुआ था, जो हमारे सर हैं उन्होंने काफ़ी इस पर एक गंभीरता पर विचार बताए थे, तो वो विचार हम आपको नहीं बता सकते। अब मनीषा जी हमसे सवाल जवाब करेंगे। सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप जब महेंद्रगढ़ से चल के रिवाड़ी आए हो हमसे सवाल करने के लिए, तो इसके पीछे क्या लक्ष्य है आपका, मतलब क्या वो बनाना चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो, या हमें दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप दुनिया में आना चाहते हो? देखो मनीषा जी, बात दोनों है, हम आपको भी दिखाना चाहते हैं और हम भी लोगों को, खुद को भी अपना एक दिखाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस उद्देश्य से कार्य करें। अब आपने पूछा कि हम कला ये जो इंटरव्यू है ये किस लिए कर रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं हम उनको आज फिर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी युवा साथी हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो खान पीने की हो, रहने सहने की हो, बोल चाल की हो, चाहे वो बुजुर्गों के मान सम्मान की हो, तो जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से दूर हो गए, और जो हमारे हरियाणवी डांसर हैं, कलाकार हैं, वो उन मुद्दों को फिर से एक बार लोगों के सामने ला रहे हैं। तो हमारे जो चैनल हैं उसका यही उद्देश्य है कि क्यों ना उनके विचार भी हम उन लोगों तक लेकर जाएं, जिससे आने वाले युवा उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर समाज, देश, राष्ट्र के लिए अच्छे सहयोग करें। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमें एक मुहिम चलाई हुई है, एक घर एक पानी का स्कोर है। तो गर्मी का समय है, बेजुबान पक्षियों के लिए आप अपनी घर के छतों पर एक सकोरा पक्षियों के लिए, बेजुबान जो पक्षी है उनके लिए जरूर रखें। आज हम मनीषा जी भी यहीं आए हैं, तो इनसे भी एक पानी का सकोरा बेजुबान पक्षियों के लिए हम रखवा कर जाएंगे। अब अगला प्रश्न बताओ जी। जी, ये तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप सबको ये बता रहे हो कि जो पंछी होते हैं उनके लिए पानी रखो जी, जो कहीं भी रखो। आपने बहुत अच्छी सोच है, आपने बहुत अच्छा सोचा है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ आपके साथ हूँ। मैं भी जो आप बोलोगे वो करना चाहती हूँ, मैं भी पंछियों को पानी पिलाना चाहती हूँ,
मतलब कुछ भी हो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा हमें सोच विचार मिलते हैं हमारे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे इस चैनल को कमेंट करें, लाइक करें और हमें लाइक करके बताएं प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग हमें लाइक दें, अब जितने भी मेरे फैन हैं, जितने भी मेरे फैन हैं ना, मेरे को सारे लाइक कर दो यार।